जय हिंद। सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जो आर्मी अग्निवीर की 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये हर पोस्ट के लिए, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ट्रेड्समैन, सभी पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी, जीडी और पुलिस की भी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किस बौद्ध संत से प्रभावित हुआ था? यहां पे ऑप्शन में देखें, उपगुप्त, विष्णुगुप्त, बृहद्रथ, ब्रह्मगुप्त। तो कौन थे? वो उपगुप्त थे। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके अन्य डिटेल को देख लेते हैं। अशोक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिए। 261 ईसा पूर्व कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन से अभिलेख में? पूछा जाता है क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो अशोक के 13वें अभिलेख में। इसके अलावा अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके अभिलेखों को, शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है सौर मंडल में। इसके अलावा मंगल ग्रह का एक और फैक्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत वाला ग्रह है। नीला ग्रह किसे बोला जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। सर्वाधिक औसत घनत्व वाला ग्रह है। हरा ग्रह किसे बोला जाता है? तो अरुण को बोला जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी इसे बोला जाता है। इन तत्वों को भी याद रखिए। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, चंबल, कोयला, बेतवा, भागीरथी। तो टिहरी बांध किस परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पर है। इसके और जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। हीराकुंड महानदी पर। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर। टिहरी बांध जिसकी अभी जिसका प्रश्न था भागीरथी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। और इडुक्की परियोजना किस नदी पर? पेरियार नदी पर बना है। ये सारे ही परियोजना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे ऑप्शन में देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है? ये गुजरात राज्य है। लगभग लगभग 1600 किलोमीटर की इसकी तटरेखा है, सबसे लंबी है। ये तटरेखा वाले राज्य हैं, यहां से यहां तक गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य की तटरेखा लगती है। सबसे ज्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। लगभग 1600 किलोमीटर है इसकी। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य, इस फैक्ट को भी याद रखिए, तो ये गोवा है। ये गोवा है। इसकी लगभग 131 किलोमीटर की तटरेखा से सीमा साझा करता है। तो सबसे ज्यादा का पूछे तो गुजरात है और सबसे कम पूछे तो गोवा है। इसके अलावा इन राज्यों को भी देख लीजिए जिनकी तटरेखा मिलती है समुद्र से। नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन में देखें तो सामवेद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, न्याय सूत्र। तो कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यदि उपनिषदों की बात करें तो 108 उपनिषद हैं। वेदों की बात करें तो वेद कितने हैं? चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यहां पे ऑप्शन में सामवेद है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। इन तत्वों को भी याद रखिए। वेदांगों की संख्या कितनी है? छह। वेद कितने? चार हैं, वेदांग छह हैं, उपनिषद 108 हैं और पुराण कितने हैं? 18 हैं। इन सारे तत्वों को याद रखिए, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? इंडियन सुपर लीग आईएसएल किस खेल को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है? तो यहां पे देखें, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल।
तो कौन से खेल को प्रोत्साहित किया जाता है इसके माध्यम से? फुटबॉल, ISL इंडियन सुपर लीग, और यदि IPL की बात करें तो वो किससे संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, यहां पे ऑप्शन में देखें, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बाबर, इब्राहिम लोदी, अब्दुल साहेब, मुआ साहेब, विवेक विजय और विवेक, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब? 1526 में। डेट भी याद रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इसके अलावा यहां पे एक ऑप्शन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, तो ये तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था, जो पहला युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में, एक साल बाद लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तो दोनों ही युद्ध फैक्टों को याद रखिए, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध। यहां पे पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वह कौन सी अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? यहां पे अनुसूचियां दी हैं 6वीं, 10वीं, 8वीं, तो कौन सी अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो ये 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। इसके मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन वर्तमान में अभी कितनी? 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, ये भी याद रखिए। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। 6वीं अनुसूची जनजाति प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। यहां पे पूछा गया है आधिकारिक भाषाओं से, तो 8वीं अनुसूची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो ये 6 महीने का होता है। अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है दो सत्रों के बीच में? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो किस प्रकार का ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण, इसमें से कोई नहीं, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कमलजीत संधू थी। यहां पे ऑप्शन में कर्णम मलेश्वरी, सानिया मिर्जा, हिमा दास है। कर्णम मलेश्वरी किससे हैं? तो ओलंपिक में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तो इसको भी याद रखें, कर्णम मलेश्वरी। यहां पे एशियाई खेलों में पूछा गया है तो कमलजीत संधू। इसकी अन्य डिटेल देख लेते हैं, कमलजीत संधू एशियाई खेलों में 1970 में 400 मीटर दौड़ में यह पदक अपने नाम किया था। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रूसो, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु। तो कौन है? यह रूसो है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी देख लेते हैं, चार्ल्स डार्विन की रचित लिखित ओरिजिन ऑफ स्पीसीज महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन की। अरस्तु पॉलिटिक्स को लिखा था APJ अब्दुल कलाम द्वारा, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, चित्रा, द कोड डांसर, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर इत्यादि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अन्य दिवस भी हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस और 16 दिसंबर विजय दिवस। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इनको देख लीजिए।
दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? यहां पे इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं करना, दक्षिण भारत की गंगा पूछा है। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो ये कावेरी नदी को बोला जाता है। कौन सी नदी को? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा। और यदि गोदावरी की बात करें तो ये प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा इसे दक्षिण गंगा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। यहां पर पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? कावेरी नदी को। और यदि दक्षिण गंगा पूछा जाए तो वो कौन सा है? गोदावरी नदी है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों के एक जैसे नाम है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी, या वृद्ध गंगा भी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मेंबर ऑफ राज्यसभा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। तो कितनी होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों के भी देख लेते हैं जिनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की 25-25 वर्ष, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य उनकी भी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य जो अभी पूछा गया क्वेश्चन है, और विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। इस तथ्य को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम आयु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां से हमारे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, वोल्टमीटर। तो किसके द्वारा? ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। कुछ अन्य उपकरणों को भी देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, और कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। इंपॉर्टेंट है वो सारे सारे तत्वों को देख लीजिए। ध्वनि का वायु में वेग कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग कितना है? तो कितना वेग है यहां पे? ये किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि में वायु का वेग जो है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके अन्य माध्यमों को भी देख लेते हैं। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में सर्वाधिक होता है ठोस में 5130 मीटर प्रति सेकंड, और ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? यहां पे पूछा गया है गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिपोजिशन, निक्षेपण। यदि ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन में गैस द्रव में परिवर्तित होता है, तो यह क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। और द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो इवेपोरेशन कहलाता है। इन सारे तत्वों को याद रखिए। यहां पे गैस सीधे ठोस में पूछा गया है, तो डिपोजिशन, जिसे निक्षेपण भी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अन्य तत्वों को भी देख लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल बोला जाता है। इसमें रतौंधी और वृद्धि रुकना इसकी कमी से होता है। विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल बोला जाता है। मसूड़े फूलना, स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, रिकेटस सूखा रोग, दांतों के रोग से संबंधित है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन शक्ति कम होना। विटामिन को फिलोक्विनोन, रुधिर स्राव का होना, एठन इत्यादि इसकी कमी से होता है। तो इन तत्वों को भी याद रखिए और इनके रासायनिक नाम भी याद रखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।